हेलो नमस्कार साथियों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट और ट्वेल्थ जो है पास के लिए परसेंटेज क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है एज जो है ट्वेल्थ के लिए क्या होनी चाहिए और जो है ग्रेजुएशन के लिए क्या होनी चाहिए, एज काउंट कहाँ से होगा, और उसके साथ साथ जो है हम लोग ये भी जानेंगे कि किन किन पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा तो आपका पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस पर चलते हैं, अंडर ग्रेजुएट जो है पोस्ट जो है ट्वेल्थ पास। ट्वेल्थ पास पर जो है आपका दो लेवल पर जो है एग्जामिनेशन होगा, मतलब लेवल टू के लिए और लेवल थ्री के लिए, दो ही पोस्ट के लिए जो है आप जो है एलिजिबल होंगे भरने के लिए अगर ट्वेल्थ पास आप किए हुए हैं तो। इसमें देखिए परसेंटेज के लिए जो है बहुत बच्चों का क्वेरीज आ रहा था, समस्याएँ हो रही थी, है ना, नॉट लेस देन जो है 50%। अगर जो है पिछली बार जब एग्जामिनेशन हुआ था 2019 में, उसका अगर नोटिफिकेशन आप निकाल कर देखेंगे तो उसमें भी साफ मेंशन किया गया है कि आपका जो है ना 50% जो है कम जो है नहीं होना चाहिए। 50% से आपका जो है ट्वेल्थ में जो मार्कशीट है उसमें 50% से कम जो है नहीं होना चाहिए। ऊपर चलेगा 50% चलेगा, पर उससे कम नहीं चलेगा आपका, इसी ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई आपको, 50% से कम नहीं होना चाहिए ट्वेल्थ के मार्कशीट में। एज लिमिट देखते हैं हम लोग, बिटवीन लिखा हुआ 18 टू 30 ईयर्स। ट्वेल्थ के लिए जो एज कितना जो है रिक्वायरमेंट है, 18 से लेकर के 30 ईयर्स के बीच में चाहिए, मतलब 18 से एक दिन आगे चल सकता है और 30 ईयर्स एक दिन पीछे चल सकता है, दोनों के बीच में चाहिए, है ना, ध्यान रखिएगा ये। और ये काउंटिंग कहाँ से किया जाएगा, ये काउंटिंग आपका जो है 1 जुलाई से, 1 जुलाई से आपका काउंटिंग किया जाएगा। क्या रिलैक्सेशन दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा रिलैक्सेशन। आपका OBC के लिए जो है 3 साल का छूट दिया जाएगा, ST SC के लिए 5 साल का छूट दिया जाएगा, और जो एक सर्विस मैन होंगे उसके लिए छूट कितना है, तो 3 साल का छूट है, ये आपका छूट दिया जाएगा। आपको यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट में OBC का सर्टिफिकेट आपको जो है देना होगा, और जो अगर आप ST SC हैं तो ST SC का जो है आपका डॉक्यूमेंट जो है वहाँ प्रोवाइड करना होगा। अगर एक सर्विसमैन है तो उसका भी आपको जो है डॉक्यूमेंट देना होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं किस पर, अब हम लोग चलते हैं कौन कौन सा जो है पोस्ट के लिए जो है आप जो है अगर ट्वेल्थ पास है, कौन कौन से पोस्ट के लिए जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए 5 पोस्ट है आपका, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट्स जो है क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर टाइम कीपर है, ट्रेन क्लर्क है, और कॉमर्शियल जो है कम टिकट जो है क्लर्क है। लेवल 2 है और लेवल 3 है इसमें। अब लेवल 2 देखिए, इसके लिए लेवल 2 है, अकाउंट्स जो क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए लेवल 2 है, जूनियर टाइम कीपर के लिए लेवल 2 है, ट्रेन क्लर्क के लिए भी 2 है, और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 3 है ये आपका। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेज जो होता है, मतलब CBT 2 एग्ज़ाम होगा आपका, CBT 1 होगा और CBT 2 होगा। कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट जो है आपका CBT 1 होगा, जो क्वालिफाई करेगा CBT 1 उसी को ना बैठने का मौका मिलेगा CBT 2 में, और CBT 2 के बाद जो है, मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉमन फॉर जो ऑल, मतलब CBT 1 हो और CBT 2 हो, ये सबके लिए जो है देना यहाँ पर क्या है ज़रूरी है, सबके लिए यहाँ पर देना ज़रूरी है CBT 1 और CBT 2। अब उसके बाद जो है स्किल टेस्ट की जब बारी आएगी तो स्किल टेस्ट किस किस में है, मतलब कि यहाँ टाइपिंग दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लिखा हुआ है, टाइपिस्ट है मतलब कि टाइपिंग चाहिए आपको, यहाँ भी टाइपिस्ट है तो मतलब टाइपिंग यहाँ पर चाहिए, और जूनियर टाइम कीपर है इसके लिए भी जो है आपको टाइपिंग की ज़रूरत होगा, ट्रेन क्लर्क यहाँ भी आपको टाइपिंग की ज़रूरत होगा, और उसके बाद जो है लेवल 3 है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यहाँ पर कोई भी जो है आपका जो स्किल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ये आपको समझ में आ गया। अगर आप 12th पास वाले फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ये जो पोस्ट के लिए जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं ग्रेजुएट वाले पर। देखिए ग्रेजुएट पोस्ट कौन कौन सा है, तो लेवल जो है 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए होता है। यहाँ पर भी पास होना आपका ज़रूरी है, स्ट्रीम चाहे BA हो चाहे BSc किए हो, आप कोई भी स्ट्रीम से जो है यहाँ पर आपका जो है पास होना जो है ज़रूरी है। आपके पास जो है मार्कशीट होना चाहिए, डिग्री नहीं भी हो बाद में भी आप जो है शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, पर आपके पास तीनों जो है
तीनों जो है मार्कशीट आपका जो है होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब लोग चलते एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पर क्या है? तो एज लिमिट यहाँ पर है बिटवीन 18 से 33 ईयर, मतलब 18 से 33 साल के जो बीच में हैं उनको जो है ये फॉर्म जो है भरने का मौका दिया जाएगा। और वो जो है जो ग्रेजुएशन पास कर गए हैं उनके लिए ये फॉर्म भी जो है फिलअप जो है साथ साथ किया जाता है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आपका आता है इसके लिए अलग आता है और इसके लिए अलग आता है। अगर आप दोनों के लिए जो है फॉर्म को जो है इस पोस्ट के लिए भी और इस पोस्ट के लिए भी जो है अगर आप डाल दिए हैं तो जब रिजल्ट आएगा तो आपका अगर जो है इसमें अगर पास होते हैं और इसमें जो आप फेल हो जाते हैं तो इस पोस्ट को आप चुन करके ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अगर जो है इसमें फेल हो जाते हैं, इसमें अगर पास हो जाते हैं तो यहाँ पर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर दोनों में आप जो है पास कर जाते हैं, दोनों में अगर आपका जो है नाम अगर होता है तो किसी एक में जो है आप जो है वहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं, वहाँ पर आपका चुनाव जो है मैंडेटरी होगा। समझ में यहाँ तक आ गया आप लोगों को? मतलब बिटवीन 18 से लेकर के 33 साल तक ले जो है जो भी होंगे वो दोनों जो है पोस्ट के लिए जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा एज काउंटिंग कहाँ से होगा, तो ये 1 जुलाई यहाँ भी है, रिलैक्सेशन यहाँ भी आपका है, जो सेम टू सेम यहाँ पर OBC के लिए 3 साल था ना वहाँ भी है, ST SC के लिए 5 साल था ना वहाँ भी है, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल के लिए था ना वहाँ भी है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब लोग चलते हैं कौन कौन सा पोस्ट है यहाँ पर। जो 8 पोस्ट है आपको नहीं दिख रहा होगा, 6 तक दिख रहा होगा, 7 और 8 में मैं यहाँ लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखिए ट्रैफिक असिस्टेंट फर्स्ट है। ट्रैफिक असिस्टेंट जो है ये लेवल 4 है। गुड्स गार्ड जो है लेवल 5 में आता है। सीनियर कॉमर्शियल जो है कम टिकट क्लर्क जो है 5 में आता है। सीनियर क्लर्क जो है कम टाइपिस्ट जो है 5 में आता है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट जो है कम टाइपिस्ट जो है 5 में आता है। सीनियर टाइम कीपर जो है 5 में आता है। और कॉमर्शियल अप्रेंटिस जो है 6 में आता है। स्टेशन मास्टर जो है 6 में आता है। आपने नोटिस किया कुछ? जिस तरह से जो है आपका जो लेवल बढ़ रहा है उससे आपका पोस्ट भी जो है बढ़ रहा है। मतलब नीचे जो है अगर जो है आपका लेवल है तो वहाँ पर जो है आपका पोस्ट भी नीचा है, लेवल ऊपर है तो आपका पोस्ट भी ऊपर है। सबसे हाईएस्ट कौन सा पोस्ट है? तो आपका स्टेशन जो है मास्टर है, देखिए लेवल 6 है। अब सबसे जो है लोवेस्ट कौन सा देखा जाए तो सबसे लोवेस्ट आपका दिख रहा है नहीं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है लेवल 2 वाला जो है आपका जो है लोवेस्ट में आ गया, लेवल 2 वाला लोवेस्ट में आ गया। और सबसे बेहतर जो है अगर पोस्ट देखा जाए तो आपका स्टेशन मास्टर का हो गया लेवल 6 का। समझ में आ गया। अब वो लोग चलते हैं किस पर? ये चलते हैं, मतलब यहाँ भी वही है कि CBT 1 और CBT 2 जो है सबके लिए आपका कॉमन है, चाहे आप जो है लेवल 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, सबके लिए अगर आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको जो है CBT 1 और CBT 2 दोनों आपको जो है देना एसेंशियल है। अब हम लोग देखते हैं स्किल टेस्ट जो है कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए ट्रैफिक असिस्टेंट जो होता है उसके लिए क्या स्किल टेस्ट चाहिए? तो CBAT चाहिए, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। आपके दिमाग की यहाँ पर जांच की जाएगी, है ना, आपके बुद्धि की यहाँ पर जो है जांच की जाएगी। ये CBAT टेस्ट है, ये अलग जांच होता है, आपका बुद्धि का जो है जांच किया जाता है। नेक्स्ट आपका गुड्स गार्ड, ये गुड्स गार्ड भी जो है जो पीछे जो है ट्रेन की जो है बोगी में पीछे रहता है ना उसको बोलते हैं गुड्स गार्ड बोलते हैं, वो भी वहाँ पर भी आपको जो है CBAT की जाँच किया जाएगा, आपकी बुद्धि की जाँच की जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का जो है आपकी जो है जाँच वहाँ पर की जाएगी। तो 2 आपके पोस्ट ऐसे हैं ट्रैफिक असिस्टेंट और गुड्स गार्ड, यहां पर आपका CBT जो है स्किल टेस्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा चीजों को। उसके बाद देखते हैं हम लोग सीनियर कमर्शियल जो है कम टिकट क्लर्क के लिए, यहां आपका जो है टाइपिंग है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है सीनियर क्लर्क जो है कम टाइपिस्ट, टाइपिस्ट से ही लग रहा है यहां तो टाइपिंग होगा ही। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जो है कम टाइपिस्ट, यहां भी टाइपिस्ट लग रहा है आपका, यहां भी टाइपिंग आपका होगा। उसके बाद सीनियर टाइम कीपर जो है, यहां देखिएगा जब जूनियर जो है टाइम कीपर में टाइपिंग है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो है सीनियर जो है टाइम कीपर में भी आपका जो है टाइपिंग होगा। कॉमर्शियल जो अप्रेंटिस में आपका CBAT है, यहाँ पर भी आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, यहाँ पर भी आपका जो है बुद्धि की जांच की जाएगी। और स्टेशन मास्टर में भी आपका जो है CBAT है। 4 पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपकी स्किल टेस्ट CBAT होगी और बाकी के जो है 4 हैं वहाँ पर आपकी टाइपिंग की जो है टेस्ट स्किल टेस्ट में ली जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको जो है सारी चीज़ें
चीजें जो है मैंने बताने का प्रयास किया। ये आपको जो है 7 और 8 नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए 7 और 8 जो यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। देखिए ध्यान से क्या था, ये कॉमर्शियल जो अप्रेंटिस था लेवल 6 के लिए था, और ये CBET यहाँ पर जो है मैंडेटरी है, मतलब स्किल टेस्ट क्या चाहिए यहाँ पर, CBET कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। और एक स्टेशन मास्टर है, यहाँ पर भी जो आपका जो ये 6 लेवल के लिए है, यहाँ पर भी आपको जो है CBET चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्लास जो है NTPC से रिलेटेड जो है ग्रेजुएट और 12th पास के लिए जो है परसेंटेज वाली जो समस्याएं हैं आपकी ख़त्म हो गई होगी, और एज के बारे में जो मैंने बताया और साथ साथ जो है स्किल टेस्ट के बारे में जो बताया, सभी इन्फॉर्मेशन आपके जेन्यून है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।